नाम बदल देने से जो सत्य है वो एक ही है और सबको ये मालूम है आप लोगों की सत्य क्या है। तो सत्य की भी कोई व्याख्या तो हो नहीं सकती, सागर की क्या व्याख्या थी, लेकिन क्षण क्षण में आप देखेंगे सत्य ये मिथ्या है, सत्य ये मिथ्या है, आपके वाइब्रेशन से आते हैं। वाइब्रेशन से इतना आप तोल पाइएगा, उसे इतना समझ पाइएगा, जहाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं वहीं सत्य। आप पत्थर में भी, मिट्टी में भी, हर एक चीज में आप वाइब्रेशन से। कोई अगर आदमी है उसके चार पांच चक्र पड़े हैं, उसे उलझने कोई जरूरत नहीं, कठिन आदमी आपके दफ्तर में, आपको फौरन आपके हाथ से गर्म गर्म आ जाएगा, भागिए वहां कुछ दिनों के लिए, बाद में वो भागेगा, वो खुद ही जलेगा। जिसको भी आपको गर्म गर्म वाइब्रेशन आए, सोच लीजिए ये अपनी बात है, ये रूहानी बात नहीं, यहाँ पर कोई तो अंधेरा है, रोशनी और अंधेरे का युद्ध पूरी समय चल रहा है, आपके दीप इतने सारे जल गए। सारा ही वातावरण बदल सकता है और कुछ दीप और जलते, इसलिए अपने दीप को जलाते रखना चाहिए, अपने वाइब्रेशन को हमेशा तौलते रहे। हमारे फोटो से वाइब्रेशन हर समय आते हैं, उसके कभी गुस्से हैं, आप हमारे फोटो की ओर अपना हाथ क्या करें। अगर आपने किसी भी उंगली पर देखा कि जिस जगह भी आपको वाइब्रेशन जलते हुए नजर आ रहे हैं, उन सब चीजों का अर्थ होता है। जैसे आप जानते हैं ये मणिपुर चक्र और ये आपका सिद्धि चक्र और ये आपका आज्ञा चक्र, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र और ये आपका मूलाधार, बीचों बीच यहाँ पर आपके हाथ के बीचों बीच संस्कार है पूरा ब्रेड। किसी को भी किसी ने आकर आपसे बता दिया कि फलाने की तबीयत खराब है, हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपका चक्र उनका खराब है उसको आप यूं करके धो लीजिए पानी, बहुत उनको फायदा होगा। यहीं बैठ आपके उंगलियों के इशारे पे सब चीज चल रहा है, आपके अटेंशन पे दिव्यत्व तो मैंने आज सवेरे बताया था, इसका आप पड़ताला लीजिए। पांव में पूरे चक्र बने, मनुष्य बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, ऐसे हजारों उसके आगे अब यंत्र फेंक दिए जाए तो भी मनुष्य को यंत्र परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया और बस उसकी बिजली चमका दी, वो भी चमक, अब क्या रहेगा, रह यही क्या कि बहुत कुछ है लेकिन अब दीप लेकर सब दूर जाना होगा और देखना होगा क्या, क्योंकि बहुत कुछ तो थोड़ा सा तो ठीक है, एक दिया जला दिया उसको बदलिए, बैठे बैठे की बात ही नहीं। और आप देखिएगा कहाँ तो दूसरों के मन में, दूसरों के अंतर में, दूसरों के अंतर में जब आप जाइएगा तभी आप जानिएगा क्या है। इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात पूछी गई, हमारे एक अनंत जीवन नाम की संस्था मुंबई में चली, उसमें हम कोई मेंबरशिप नहीं रखते हैं, जो रियलाइज हो गए मेंबर हैं, रियलाइज लोग भी थोड़े से ढलक जाते हैं फिर से रियलाइज होते हैं, कुछ आते हैं ऊपर में फिर पड़क जाते हैं फिर से ऊपर आ जाते हैं, ऐसा आप में भी आधे अधूरे कुछ होंगे, कुछ पूरे होंगे, कुछ बिल्कुल ढलक। इसलिए हमने बोर्ड साहब से रिक्वेस्ट किया था आप इन्हीं को चेयरमैन बना लीजिए, जैसा भी करना चाहे कर लीजिए, इनके पास हम सारी लिस्ट रख देंगे और आपका घर भी आपका पता यहाँ पर पास ही में है, क्या 10 नंबर किंग जॉर्ज एवेन्यू आपका घर है, और फोन नंबर भी आप इनसे ले लीजिए, इनके पास हम फोटोज वगैरह सब भेजते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए समय से आप लोग आ जाएगा। और आप सोच रहे थे शुक्रवार का दिवस बहुत अच्छा है, उस दिन आप लोग अपना मेडिटेशन का कार्य करें, हम वहीं से चित्त से आपको देखते हैं। परमात्मा के बहुत से प्रतीक रूप आपने सुने होंगे कि जैसे गणेश जी हैं उनके मूषक वाहन है और सबके वाहन आपने सुने, अब आपका वाहन सिर्फ आपका चित्त है, आप चित्तारूढ़ हैं, चित्त पे बैठे, क्या कमाल है आप चित्त पे अपने बैठे हुए हैं, जहाँ चित्त जाए वहीं काम बने, और इसकी इतनी कमाल है यहाँ बैठे बैठे आप सबका निकालिए, यूँ करके खींचिए सब, जिसको भी देखा कि वो सता रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी आदमी जिसके लिए भी आप सोचते हैं अपने आज्ञा चक्र पे उसको अपने संस्कार पे उसको ला करके उसको खींचिए, बीच में ब्रह्मरंध्र है, आपको आश्चर्य होगा कि उनकी काफी हालत ठीक हो, बहुत दुष्ट महादुष्ट, अभी इन्होंने गाया कि दुष्ट आसन बैठे हैं और कंस बैठे हैं, हाँ बिल्कुल बैठे हैं, सबके ऊपर में हम लोग बैठे बैठे सवेरे यही दुमदा करते रहते कि उनकी सुबुद्धि दो, उनको सुबुद्धि दो, इस तरह से इस प्यार का चक्कर, फिर बैठे बैठे यहाँ से प्यार का चक्कर घुमाने से ही उधर आदमी ठीक हो जाता है, क्योंकि नफरत से कितनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं प्यार की बात, बहुत शक्तिशाली, समुन्द्र की जैसे था होती, समुन्द्र कितना भर जाए उसकी था बढ़ती रहे, ऐसी है कितना भी हेट्रेट बढ़ जाए संसार का और
प्यार जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़ते रहेगा, नहीं बढ़ेगा तो संसार नष्ट होगा। आप अपनी जिम्मेदारी को अभी समझ नहीं पाए कि एक नया जमाना बनाने की बात, नए लोग, नया डायरेक्शन, एक नया आयाम जिसको कि आप समझ सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त। अभी जो सिद्धेश्वरी बाई जा रही थी उनकी हालत इतनी खराब थी, कल आई थी तो इतनी हालत खराब थी, घबरा घबरा मेरे पास पहुंचे, ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा, तो हमने हाथ रखा, आज भी गाना गाने। आप लोग सब ये काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंने छोड़ा नहीं काम जो आप नहीं कर। अब बस ये है कि हमारे बीच में बड़ा पर्दा है, इस पर्दे को त्याग करना आ जाए काम बन जाएगा, इस पर्दे का ही त्याग होना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आप पार हो गए पहला अपना, तो पर्दा त्याग हो गया, अब हमारा और आपका बीच का अंतर जितने जल्दी टूट जाए उतना ही काम बड़ा जबरदस्त। इस चीज में अंत में जो सबसे बड़ी बात हमारे अंदर है वो है प्रेम। हमें प्रेम के साथ तादाद में करना है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं पहले सोचने के हमसे प्रेम ही करें, ये सारा ही प्रेम है, इससे आप कुछ गड़बड़ कर ही। जैसे लोग हमसे कहते हैं आप हरेक को देखो तो रियलाइजेशन दे रहे हैं, अमेरिका में खासकर लोगों को बड़ी परेशानी है कि लोग इसको बुरे चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बुरा करें, किसी की जागृति करेंगे, किसी को पानी करें या किसी को ठीक करें, प्यार से आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। आप ही सोचिए जिस आदमी से आप प्यार करते हैं आप उसका बुरा कभी कर सकते, प्यार की पहचान ही है कि वो कभी किसी का अहित सोची, जो कुछ भी होगा वो हितकारी होगा, वो जाएगा कहाँ, ठीक ही होगा। बस अपनी इज्जत खुद ही करनी होती है। बस अगर आपने अपनी जैसी जैसी इज्जत करनी शुरू हो गई आपकी स्थापना अंदर हो गई, क्योंकि ये मंदिर है और इस मंदिर की जितनी भी उतना ही उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश। आप प्रेम से तादाद में पा सकते हैं, एकदम आप प्रेम से एकाकार हो सकते हैं, बिल्कुल एक स्वरूप हो सकते हैं, आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही बह सकते हैं, जो प्रेम साक्षात चैतन्य भी वही सत्य भी है और वही सौंदर्य। इस सब की साथ एकाकार एकदम हो सकते, निर्विचारता में आप बैठे, क्योंकि निर्विचारता तभी आती है जबकि आप इसको यहाँ से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ पर आ गए हैं, इस दशा में आप खड़े हैं कि आप निर्विचार, आपका ब्रेन जो था वो सोचता था, अब ब्रेन से आपको निकाल करके संसार तोड़ करके आपको यहाँ ले आए, अब यहाँ आप जब पहुंच गए इस जगह से आप हाथ रख के देख सकते हैं जो रियलाइज है, जिससे आपको लगेगा इस जगह अर्ध बिंदु है। जो लोग रियलाइज है उन्हें महसूस होगा, जो रियलाइज नहीं है उनको नहीं लग रहा। धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें, नीचे रामा नीचे करें, इससे ऊपर में अर्ध बिंदु की दशा, उससे ऊपर में बिंदु है, उससे ऊपर में वलय। ये सब कुछ जो भी सृष्टि करने में बनाया गया था सब मनुष्य के अंदर बना दिया, पहले वलय, उसके बाद बिंदु, उसके बाद अर्ध बिंदु, और उसके बाद में ये फिर सारी कुंडलियों की दशा, पूरी कुंडलिनी को बना दिया, और वो जो आधी कुंडलिनी है वही आपके अंदर में लपट करके आ गई और आपकी कुंडलिनी बनी। आधी कुंडलिनी बनाने के लिए तो पहले कुछ लोगों को बिठाया गया था, शुरुआत करने के लिए किसी को बिठाना पड़ता, तो पहले उन्होंने गणेश जी को बिठाया, आदि शक्ति ने सिर्फ एक चक्र के साथ गणेश जी को बिठाया, एक गणेश, एक ही चक्र के साथ गणेश। गणेश जी क्या है, सिर्फ पावित्र है, सिर्फ पावित्र। आप इसी को सोचिए कि हमारे बदन पे का समझ लीजिए, कुछ दिनों तक हम नहाए धोए नहीं और मैल देते देखते हैं, यहाँ पर भी वाइब्रेशन है, यहाँ वाइब्रेशन, और उसको निकाल करके हम इकट्ठा कर दें तो जो जड़ तत्व है उसके अंदर तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन हो जाए, यानी सिर्फ पवित्रता के बिल्कुल पुंज है, क्योंकि इज एन इटर्नल चाइल्ड ऑफ अनंत के बालक है, उनका जैसा बालक संसार में मिला, सिर्फ पवित्र ही पवित्र, उनका सारा प्यार ही पवित्रता, और उस पवित्र के वजह से आपके मूलाधार चक्र पे ना, मूलाधार पे तो माँ बैठी हुई है, उनको बिठाया। इसका मतलब यह है कि सेक्स के मामले में आपको एक छोटे से बच्चे जैसे
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।